आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं मेडिकल नर्सिंग के इस ऑफिशियल चैनल पर नर्सिंग क्यूज का 13 नंबर का वीडियो। इससे पहले आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। 12 वीडियो तक कंटिन्यू सुबह 6 बजे आपको डलता है और आपको जरूर देखना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव का, तो जरूर यह वीडियो आपको प्रैक्टिस में 4 चांद लगाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज शुरू। यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्सिंग क्यूज नंबर 13 है अपना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। विलेज हेल्थ गाइड, जिसे हम लोग विलेज हेल्थ VHG कहते हैं, ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है? 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने। तो आपको बताना है कि जो विलेज हेल्थ गाइड होता है इसको कितने महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 है, इसमें से राइट आंसर अपना जो सही है वह अप्रॉक्स 3 मंथ जो है विलेज हेल्थ गाइड का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दाई को प्रशिक्षित करने के लिए कितने महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जो दाई होता है, दाई को ट्रेनिंग देने के लिए कितने महीने का समय लगता है? ठीक है, 9 महीने, 1 महीने, 3 महीना, 6 महीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए दाई का प्रशिक्षण जो है 20 से 24 दिन लगभग चलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 1 महीने। ठीक है, आगे है यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है, कपास की धूल से होने वाला रोग कौन सा है? आप लोग पढ़े होंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज, ठीक है, जो व्यवसायिक रोग होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय में रहते हुए अगर उस व्यवसाय से कोई रोग होता है तो उसे हम लोग व्यवसायिक रोग बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ का सवाल है। तो कपास से होने वाला धूल, कपास के जो धूल होता है उस धूल से अगर बीमारी होता है तो उसे कौन सा बीमारी कहते हैं, कौन सा व्यवसायिक रोग? एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, बायोसाइनोसिस, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कपास के धूल से बायोसाइनोसिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है, अप्लाइड पोषण कार्यक्रम को किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से सहयोग प्राप्त है? जो अप्लाइड पोषण कार्यक्रम चलता है उसमें कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो सहयोग देता है? WHO, यूनिसेफ, FAO, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, और राइट आंसर अपने होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ जो है अप्लाइड पोषण कार्यक्रम में सहयोग देता है। ठीक है, आगे है अपना यहाँ पे पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है, गर्भावस्था के समय पर गर्भाशय का फंडस सिम्फेसिस प्यूबिस तक पहुँचता है कितने समय में? सिम्फेसिस प्यूबिस तक जो गर्भाशय का जो फंडस वाला एरिया है वह सिम्फेसिस प्यूबिस तक गर्भाशय के कितने समय में पहुंचता है? 20वां सप्ताह, 24वां, 16वां, 12वां। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होने वाला है अपना वह ऑप्शन नंबर बी, लगभग 24 सप्ताह में जो है गर्भाशय का जो फंडस है वह सिम्फेसिस प्यूबिस तक पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट, छठा है, बार बार सीजेरियन सेक्शन करने से खतरा हो सकता है क्या चीज़ का? संक्रमण का, हेमरेज का, गर्भाशय का फट जाना, जननेन्द्रियाँ की क्षति पहुँचता है, क्या चीज़ का क्षति होगा, क्या चीज़ का खतरा होगा? तो मैं आपको बता दूं, बार बार अगर किसी को सीजेरियन सेक्शन करके बच्चे को जन्म दिलाते हैं तो आपको इसका खतरा ये होगा कि गर्भाशय जो है फट जाएगा। ठीक है, गर्भाशय रेप्चर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 7वां नंबर, कौन सी श्रोणी पुरुष श्रोणी के समान है? मतलब पूछ रहा है कौन सा पेल्विक जो है इक्वल टू मेल पेल्विक। ठीक है ना, विच पेल्विक इज द इक्वल टू मेल पेल्विक। ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विक, गाइनेकोइड पेल्विक, एंथ्रोपोइड पेल्विक, प्लेटीपेलोइड पेल्विक। ठीक है, तो ये सब पेल्विक के प्रकार है, इसमें से बताना है कि पुरुष पेल्विक के समान कौन सा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंड्रॉयड होगा। लेकिन आपसे अगर महिला स्त्रियों का अगर गर्भाशय पेल्विस का बात करेगा तो गाइनेकोइड पेल्विस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? जो मेल का टेस्टिस होता है 2, ठीक है, इस टेस्टिस से जो है कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो आपको पता है इनमें से मेल हार्मोन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह मेल सेक्सुअल हार्मोन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए? तो 8 का यह सी जो है इसका आंसर है। आगे है यहाँ पे 9वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्पीड़न के भ्रम, डेलूजन ऑफ प्री क्वेश्चन पर किए, देख लीजिए, उत्पीड़न के भ्रम में देखा जाता है। ठीक है, डेलूजन ऑफ परसेप्शन, ठीक है ना, डेलूजन ऑफ परसेप्शन, पैरानोइड, कैटाटोनिक, रेसिड्यूअल, हेफेब्रेनिक। ठीक है,
हेवेफ्रेनिक। तो कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो होगा पैरानोइड। पैरानोइड में जो है उत्पीड़न के भ्रम, डेलिजन और परक्यूशन जो है देखा जाता है, ठीक है। दसवां नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना की स्थिति। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति को किसी निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तुओं के प्रति जो है एक्साइटमेंट, जो है उत्तेजना, कामोत्तेजना हो, बढ़े, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर चार ऑप्शन है, देख लीजिए, बायोरिज्म, फेटिसिज्म, मैसोकिज्म और पीडोफिलिया। तो जो एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को अगर निर्जीव वस्तुओं से कामोत्तेजना हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो उससे जो है हम लोग बायोरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोरिज्म कहते हैं, ओके। आगे है, डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है। आप लोग पढ़े होंगे नर्सिंग स्टेप, नर्सिंग प्रोसेस, उसमें 5 स्टेप होता है। कौन से स्टेप में जो है नर्सिंग जो है डाटा इकट्ठा करती है, किस प्रोसेस में? तो आकलन में, नर्सिंग निदान में, क्रियान्वयन में, मूल्यांकन में, चारों जो है इसका जो है क्या है, स्टेप है। बट किस स्टेप में, कौन से स्टेप में जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है? तो वह फर्स्ट स्टेप ही होता है जहाँ पे डाटा इकट्ठा किया जाता है तमाम सोर्सेस से, वो होता है आकलन असेसमेंट का, ठीक है। वो होता है आपका आकलन असेसमेंट का, ठीक है। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। कह रहा है इनमें से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता है, मतलब नर्सिंग स्टेप की क्या इसमें विशेषता है, चारों में कौन विशेषता है? यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, यह लक्ष्य आधारित है, यह सार्वभौमिक है, उपरोक्त में से सभी। तो आपको मैं बता दूँ कि नर्सिंग स्टेप जो है लास्ट 5वां स्टेप जो मूल्यांकन का होता है, वहाँ पे अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं तो फिर से वह शुरू से जो है शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से वह एक चक्रीय भी है, वह लक्ष्य पर आधारित होता है, बिल्कुल। वह एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग स्टेप्स को अपनाया जाता है, तो यह यूनिवर्सल है और इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है अपना, कि टोनोमीटर के अंदर दबाव को नापने में प्रयोग किया जाता है। टोनोमीटर किसके दबाव के मापने के लिए उपयोग किया जाता है? हार्ट का, आई का, ब्लड वेसल का, क्रेनियम का? तो राइट आंसर इसका क्या होगा, मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि जो टोनोमीटर है वह आँख के अंदर के दबाव को नापने में इस्तेमाल किया जाता है, ओके। 14 नंबर है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक का कारण क्या होता है? हाइपोवोल्यूमिक शरीर में अचानक से तरल पदार्थों की कमी होने से जो शॉक लगता है वो हाइपोवोल्यूमिक शॉक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हृदय विफलता, इन्फेक्शन, फेलुअर ऑफ आर्टेरियल रेसिस्टेंट और कम तरल पदार्थ की मात्रा। तो राइट आंसर जो होगा मैंने अभी बता दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। तरल पदार्थ की अचानक से कमी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उससे अगर बेहोशी छा जाता है तो वो हाइपोवोल्यूमिक शॉक होता है, चाहे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शरीर से तरल निकल जाने से भी, पानी निकल जाने से भी। 15 नंबर का है, अच्छा है, गोनेरिया का इनक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन अवधि पूछ रहा है। 24 घंटे, 1 से 2 दिन, 12 से 25 दिन, 2 से 8 दिन। तो जो गोनेरिया है, गोनेरिया का जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वह 2 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 16 नंबर का है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है बताइए? ऑप्शन में है हेपेटाइटिस में, एंजाइना में, एनीमिया में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग एनटीजी कहते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, ये नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग अचानक से हार्ट में बहुत ज़्यादा तेज हृदय में दर्द उत्पन्न होने से जो है नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। तो एंजाइना एक उसी प्रकार का, हेपेटाइटिस होगा नहीं, एनीमिया होगा नहीं, ठीक है। आगे आता है 17 नंबर का है, कह रहा है डीऑक्सीजनेट रक्त को ले जाने वाली धमनी क्या कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया है, घुमाया भी नहीं है, आसान है। मान गए अशुद्ध रक्त, पूछ रहा है कि अशुद्ध रक्त को कौन सा धमनी ले जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं शुद्ध रक्त को धमनी, आर्टरी जो है आपका ढोने का काम करता है, शुद्ध रक्त को जिसमें ऑक्सीजन होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सा धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ढोता है। तो आपको चार ऑप्शन है, ओरोटा, महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, थोरेसिक धमनी। तो आपको मैं एक बता दूँ, अगर कौन सा धमनी पूछ रहा है
तो हम लोग जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, बट यहाँ पे अशुद्ध रक्त पूछ रहा है कौन धमनी में। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो सीधा फेफड़ा पर चले जाइएगा, क्योंकि फेफड़ा के कंडीशन में उल्टा हो जाता है। फेफड़ा के कंडीशन में पल्मोनरी जहाँ भी लग जाए, अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो समझ लीजिएगा इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, जबकि आर्टरी सीधा रहेगा तो शुद्ध रक्त, और पल्मोनरी लगा जाएगा तो वहाँ पे अशुद्ध उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे पल्मोनरी वेन होता तो वहाँ पे शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेट रक्त जो है पल्मोनरी वेन में बहता है। बातें को समझ गए, तो ऑप्शन अपना बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। आगे चलिए 18 का अच्छा प्रश्न है, सबसे छोटी एवं भारी पसली कौन सा है, रिब्स के बारे में पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे भारी रिब्स कौन सी है, ठीक है। तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तो आपको पता होना चाहिए माय डियर कि जो आपका फर्स्ट नंबर का रिब्स है वह सबसे छोटी और सबसे भारी होती है, ठीक है। एंड सेकेंड लास्ट है आज का 19 नंबर का, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर द्वारा जुड़ते हैं क्या, कार्पस लुटियम, कार्पस केवरनोसा, कार्पस एलोसम, इनमें से कोई नहीं। तो दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर के द्वारा जो जुड़ता है वह आपका कार्पोस, ठीक है ना, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम इज द राइट आंसर। एंड आज का आखिरी प्रश्न है कि गंध की संवेदी तंत्रिका कौन सी है, यानी जिससे हमें गंध का महसूस होता है वह कौन सी नर्व है, कौन सी तंत्रिका है, फेसियल नर्व है, वेगस नर्व है, ऑल्फैक्ट्री नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर ऑल्फैक्ट्री नर्व होगा, जो सूंघने का हमें जो है एहसास दिलाता है, ऑप्टिक नर्व देखने का, ठीक है, फेसियल नर्व फेस में होता है, ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं। बाकी आज मैंने आपको बहुत ही अच्छा अच्छा जो है मैंने आपको 20 क्वेश्चन 20 MCQ नर्सिंग से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट से कराया। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप चाहते हैं डेली अच्छे से मजबूत हो जाए नर्सिंग, तो डेली आकर यह 20 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए खुद से कमेंट में, और ये बताइए कि ईमानदारी से आप 20 में कितना सही कर पाए हैं, कितना गलत कर पाए हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना आप ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।